तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज की वीडियो सेकंड वीडियो रहने वाली है। तो अगर आप लोगों ने पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग जरूर से जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड यार मेरे 100 के कंप्लीट हो गए थे एंड इसके ऊपर जितने भी लोगों ने रिएक्ट करा उससे रिलेटेड वीडियो मेरे सेकंड चैनल पर आने वाली है। एंड अगर आप लोगों ने उसको सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो आप लोग कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड फर्स्ट अपडेट निकल कर आती है गॉडल के गर्ल्स लाइनअप को लेकर। तो जो रेबेल है उन्होंने कुछ स्टोरीज लगाई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि उनको बहुत ज़्यादा रेप थ्रेड वगैरह आ रहे हैं डीएम में। एंड उनकी स्टोरी आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रही होगी जिसमें उन्होंने लिखा था, जस्ट अ लिटिल डाउट आई हैव इन माय हेड, व्हाई डू वी हु हैवन डन एनीथिंग टू एनीबॉडी, हु हैवन स्प्रेड एनी हेट टू एनीवन हैव टू सफर, पीपल कीप सेइंग इग्नोर दीज हेटर्स बट व्हाई डोंट दीज हेटर्स स्टॉप स्प्रेडिंग हेट टू द पीपल्स हु डोंट डिजर्व इट, दिस इज़ द इंडियन गेमिंग कम्युनिटी। जिन लड़कियों ने आज तक किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है उनको माँ बहन की गालियाँ मिल रही हैं एंड उन्हीं को यार रेप थ्रेड्स वगैरह भी मिल रही हैं। एंड इसके बाद उन्होंने लिखा था, वेन वी रिटेलिएट टू ऑल दीज वी बिकम द बैड गाय, क्योंकि हम एक नॉन ऑर्गेनाइजेशन में हैं एंड आर नॉट वी ह्यूमन एंड aren't वी सपोज टू फाइट फॉर रॉन्ग दैट हैज़ बीन डन टू अस। एंड उन्होंने अपनी नेक्स्ट स्टोरी में लिखा था, इफ दिस कंटिन्यूज एनी लॉन्गर आई एम गोइंग टू टेक अ लीगल स्टेप ऑन अ बिहाफ ऑफ द गर्ल्स। एंड इसके बाद उन्होंने एक और स्टोरी लगाई थी जिसमें उन्होंने लिखा था, यू कीप ब्लेमिंग आर फैंस, हैव वी फोर्स्ड देम टू स्प्रेड हेट टुवर्ड्स अ टीम, फैन और हमारा रिश्ता सिर्फ इतना है कि वो हमें सपोर्ट करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, बिकॉज वी आर देयर फेवरेट्स एंड वी कांट कंट्रोल व्हाट दे से, एंड यू पीपल कीप ब्लेमिंग अस फॉर देयर एक्शन, हाउ आर वी अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शंस, एंड उल्टा फैन होकर तुम भी हमारे को हेट ही दे रहे हो। एंड उनकी बाकी स्टोरीज आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। एंड उन्होंने सेम स्टोरी को एक रीमेंशन किया था जिसमें उनको थ्रेड्स वगैरह मिल रहे थे एंड उनकी जो स्टोरी है वो आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रही होगी जिसको आप लोग स्क्रीन को पॉज करके पढ़ सकते हैं। एंड इस पूरे मैटर के ऊपर आप लोगों का क्या कहना है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। इसके बाद जो क्रॉन्टन है उन्होंने एक स्टोरी लगाई थी जिसमें उन्होंने लिखा था, ई स्पोर्ट्स इज इक्वल टू BGMI रियलिटी, एंड आप लोगों को वो स्क्रीन पे नजर आ रही होगी। एंड आप लोगों को क्या लगता है कि उन्होंने किससे रिलेटेड लगाई थी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। एंड इसके बाद जो रीलोड है उन्होंने भी एक स्टोरी लगाई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि वो कॉम्पिटिटिव को लीव कर चुके हैं एंड उनका फाइनल रिप्लाई आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। एंड इसके बाद जो TSM के प्लेयर्स हैं उन्होंने बात करी थी सोल के साथ राइवलरी के बारे में। अब देखिए एग्रेशन की हमने बात कर ली यहाँ पे, गॉडल को मतलब हमने यहाँ पे रेफर आउट किया, बट हाँ एक राइवलरी जो मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा हमेशा से फेमस कह लीजिए आप, हमेशा से चलती आ रही है, दैट इज गोइंग टू बी सोल एंड TSM। व्हाट आर योर थॉट्स? लाइक राइवलरी के बारे में इतना कुछ है नहीं, लाइक वो हो जाता है कि हमारा ड्रॉप क्लास थोड़ा सेम है, आजू बाजू है ना, तो मिल जाते हैं रोटेशन, तो हर बार हमको फाइट लेनी पड़ती है तो वो अवॉइड नहीं करते मिल जाते हैं ड्रॉप में भी कुछ चेंजेस नहीं होने वाले टकिला, ये चीज भी क्लियर कर दी गई यहाँ पे। इज इट लाइक हम कर लें इसे लाइक अपने अंदर दर्ज कर लें दैट नहीं चेंज हो रहा है TSM का ड्रॉप लोकेशन, चेंज नहीं हो रहा सोल, यू कैन डेफिनेटली रेफर इट आउट। पुराने ड्रॉप लोकेशंस लेंगे कुछ बट नए वाले तो नहीं लेंगे, हमारे अभी के ड्रॉप लोकेशंस शेयर नहीं हो रहा। यही राइवलरी की हम बात कर रहे थे, देख लो यही था वो, डेफिनेटली इट इज कमिंग आउट टू बी ट्रू फॉर श्योर। बट हाँ डेफिनेटली देखो ये राइवलरी का मतलब, हमें सारी चैट को बात करो, राइवलरी का मतलब हमेशा यही मारपीट लड़ाई झड़ाई नहीं होता, हेल्दी राइवलरी भी होती है डेफिनेटली, अगर ऐसे राइवलरीज नहीं होंगी तो। एंड इसके बाद जो ऐश है उनसे पूछा गया था कि जो OG है वो क्वालिफाई क्यों नहीं कर पाई, तो इस पे उन्होंने रिप्लाई किया। एंड उनसे पूछा गया था कि उन्होंने OG को क्यों ज्वाइन किया, तो उन्होंने इसका भी रीज़न बताया था, तो वो वाली क्लिप आप लोग देख सकते हैं। जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं मैं उन सबका आंसर दूंगा कल जब राउंड 4 का रिजल्ट आ चुका होगा, एंड आई विल क्लैरिफाई एवरीथिंग कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। यस, सो आफ्टर फनेटिक लेफ्ट इंडिया बैन पीरियड में मैंने बैन पीरियड में कोई और ज्वाइन नहीं किया, मैं वेट कर रहा था कि गेम कब वापस आएगा। सो जैसे गेम वापस आया मेरे पे ऑफर्स थे, बट OG बेस्ट ऑप्शन था मेरे लिए उस टाइम पे, एंड दे आर द बेस्ट। सो या एंड इसके बाद जो वीरू है उनसे पूछा गया था कि वो टीम एक्सपायर को दोबारा से ज्वाइन करने वाले हैं, तो इस पे उन्होंने क्या रिप्लाई करा वो भी आप लोग देख सकते हैं। पुराने टीम में वापस जाना पसंद करोगे अगर प्लेइंग फॉर में होगे तो? अरे अरे चिल करो भाई, स्ट्रेस मत दो स्ट्रेस। आप किस टीम से खेलोगे फ्यूचर में वीरू भाई? जो टीम मेरे को लेगी उससे खेलूंगा और क्या। एंड इसके बाद आप लोगों को भी पता ही है जो BMOC का Day 3 था वो खत्म हो चुका है, एंड उसकी जो ओवरऑल स्टैंडिंग है वो आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रही होगी। एंड आप लोगों को भी यार इसमें नजर आ रहा होगा जो टीम एक्सपार्क एंड टीम 8-bit है वो क्वालिफाई नहीं कर पाई है, एंड बाकी की जो ओवरऑल स्टैंडिंग है वो स्क्रीन पे नजर आ रही होगी। तो ये थी पूरी गेमिंग कम्युनिटी की आज की न्यूज़। एंड अगर आप लोगों को भी ऐसे ही अपडेट रहना है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।